नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हीरा योगी और आज हम बात करेंगे किस चीज़ के लिए। पहले तो इतनी प्यारी सुबह है, उस सबको आपको आनंद ले, जो सो के नहीं उठे वो जाग जाएं भाई। अभी अर्ली इन द मॉर्निंग का टाइम है, मैं अभी पार्क में क्लास फिनिश करके खड़ा हुआ तो आपकी याद आ गई। एक क्वेश्चन आ रहा था साहब, ये मानसून के अंदर में हमारे बाल बहुत गिरते हैं, हम क्या करें। बाल आपके नहीं मेरे भी गिर रहे, ये सीज़न ऐसा होता है, लेकिन अपने बालों को अच्छा कैसे किया जाए, बालों के लिए क्या चीज़ उपयोगी है, तो आज मैं आपको 4 से 5 आसन बताऊंगा जो हमारे सर के लिए बहुत अच्छे हैं, मेबलिन बनाने में हेल्प करते हैं। उसमें खान पान का भी बड़ा महत्व है, क्या खाएं क्या ना खाएं, प्रोटीन्स कितना, बालों को प्रोटीन चाहिए होता है एक्चुअल में, तो खाना आप अच्छा रखें अपना। मगर कुछ आसनास भी हेल्प करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। थोड़े से डॉग पोज मैं करके दिखाता हूँ, सारे आसन आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। तो पहला आसन जिसको आप करेंगे, आपके बाल घने होंगे, लंबे होंगे, जो टूट रहे हैं वो कम हो जाएंगे, मगर उनको प्रोटीन आपको देना पड़ेगा, खाना पीना भी अच्छा करना पड़ेगा। तो आप जैसे वज्रासन पर बैठे हैं तो वज्रासन पर पहले बैठ गए, वज्रासन मतलब दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठ जाना, सिंपल भाषा में कहें नवाज अदा करने जा रहे हैं आप। अब इसी के बाद आप अपने दोनों हाथ बिल्कुल बराबर में और धीरे धीरे पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे, सर को नीचे की तरफ करेंगे और ये आपका बन गया है। इसको आप पर्वतासना, कुछ लोग इसको स्वानासना मतलब जो डॉग पोज भी बोल सकते हैं, अर्धमुखा आसना भी बोलते हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इनहेल के साथ बिल्कुल बॉडी को रखिए, अपने दोनों पैर आपस में मिला के रखिए, इनहेल कोशिश करें ज़मीन पर, क्योंकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपका ब्लड फ्लो आपके सर की तरफ जाएगा तो आपके बालों को ताकत मिलेगी, आपके जो सेल्स हैं वो हेल्प हो जाएंगे, वो अच्छे होंगे, रीजनरेट होंगे, उनमें फ्लो ऑफ एनर्जी बढ़ेगी। आपको ये करना पड़ेगा, इसमें आपको होल्डिंग करनी है। होल्डिंग कितनी करनी है, 30 सेकंड से लेके 45 सेकंड तक की आपको, और कितने टाइम्स करना है ये आपको ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स करना होगा। साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है, आपको बस हिप ऊपर उठाया, माउंटेन, और सर को नीचे लगाया। इसको डॉग पोज समझ लीजिए आप, इसको माउंटेन पोज समझ लीजिए आप, मगर मैं आपको ये कहूँगा आपको सिर्फ हिप ऊपर उठाना है, वी बनाना है, ये समझिए आपकी बॉडी वी बनाएगी। देखो कुछ लोग आसन में पड़ जाते हैं, मैं आपको बोलता हूँ आप आसन का नाम भी याद रखना है कोई बात नहीं, आप अल्फ़ाबेट से समझिए वी बन गया, आपको वी बनाना है। तो ब्लड प्रेशर कहाँ जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कहाँ जा रहा है, आपके सर में जाना है, तो पहला आसन। बेनिफिट इसके शोल्डर्स के लिए भी हैं, लोअर बैक के लिए भी हैं, कंधों के लिए भी हैं और आँखों नाक कान के लिए भी हैं, मगर बालों के लिए बहुत अच्छा आसन है। अभी दूसरा आसन आपको मैं करके बताता हूँ, पवन मुक्त आसन। आपने सुना होगा पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त करना। तो इसमें आपको क्या करना है, आप नॉर्मल लेट गए हो और जैसे लेटते हैं शवासना में, और आपकी जो एडी है जो घुटना है इसको एक्सहेल करते हुए अपने चिन को यहाँ लगाना है, फिर इनहेल करना है, फिर एक्सहेल करना है, ऐसा 3-3 टाइम्स करना है, फिर दोनों पैर मिला के ऐसे करना है। तो ये दूसरा आसन हो गया। अब तीसरा आसन और आपको बताता हूँ, कैमल पोज। ये सारे आसनास जो पवन मुक्त आसन आपने किया, इससे आपका पेट का जो एक्स्ट्रा गैस है वो निकलेगा, गैस के निकलने से भी हमारी बॉडी का ग्रोथिंग बहुत अच्छा होता है और हम बीमार नहीं पड़ते। अब तीसरा आसन, इसको बोलते हैं हम कैमल पोज, उष्ट्रासना। तो इसमें आप ऊपर हिप को उठाया और पहले आप इनहेल करते हुए जाएंगे, फिर देन दूसरा हाथ उठाएंगे, तो ये कैमल पोज हो गया। अब इसके कौन से कौन ना करें, जिसको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है ये लोग ना करें, बाकी सब तो कर सकते हैं। देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम में हम मना कर देता है डॉक्टर, बट मैं आपको कहूँगा इतनी भी छोटी प्रॉब्लम में कोई डरे नहीं कि प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी, आप कर सकते हो। तो स्लो स्लो जिस पे ये नहीं होता तो उसका भी एक टेक्निक बताता हूँ, एकदम नहीं लगेगा। हिप ऊपर उठाया आपने, वज्रासन के अंदर बैठे हैं आप, इनहेल करते हुए ऊपर उठा लिया, हाथ लगाया पीछे की तरफ, फिर इनहेल, देन एक्सहेल, इनहेल, देन एक्सहेल। ये जिनका उष्ट्रासना नहीं लगता, जिनका कैमल पोज नहीं लगता, वो ये कर लें, देखिए आपका होने लगेगा। देखो 3 आसन हो गए, और भी बहुत सारे आसन हैं,
मगर पहले तीन ही कर लें। यहाँ एक और बता दूँ, सर्वांगासना, अब मैं आपको वो कराऊंगा, और शीर्षासना। मगर इन दोनों के लिए बड़े हमें ना सतर्कता बरतनी है कि कैसे इसको करना है। तो चलो दोस्तों बताते हैं सर्वांगासना और सर्वांग। देखिए कौन कर सकता है, जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम प्लीज़ वो ना करें, जिनको सीवियर सर्वाइकल है वो ना करें, ठीक है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है वो ना करें, बाकी तो हर डिसीज़ की प्रॉब्लम है जो वो ना करें, ये आपको बता दिए वो ना करें, जिसके स्टेंट वगैरह डल गया है। तो कैसे करते हैं ये भी बताई देता हूँ। चलो दोनों आसन, पांच आसन हो जाएंगे फिर, ठीक है, और आप मुस्कुराते रहिए। तो पहला आसना सर्वांगासना, आपके दोनों पैर सीधे रहेंगे दंडासना के अंदर में, ये दंडासन है हाथ साइड में। अब आपको इनहेल करते हुए पैरों को ऊपर लेके जाना है, कैसे, और ये पैर और धड़ पूरा सीधा। अपने आप को यहाँ पर कुछ देर रोकना है, 30 सेकंड का कम से कम आपका स्टॉपेज होना चाहिए। अब यहाँ पर ब्रीदिंग आपकी एक्सहेल हो चुकी है, अब स्लो स्लो आप ले ही लेंगे। ये सर्वांगासना है, इससे फेस पे ग्लो भी आता है, थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा है ये, और फेस के लिए भी अच्छा है, बालों के लिए भी अच्छा है। देन स्लोली स्लोली डाउन, तो ये हो गया, कर लोगे, कम से कम 3 टाइम्स करना है होल्डिंग के साथ, तो ये बालों के लिए अच्छा है। अभी आते हैं शीर्षासना। देखो शीर्षासना है तो बहुत प्यारा, मगर बहुत अच्छे किसी योग का, आपका जो योग टीचर हो, योग इंस्ट्रक्टर हो, उसके माध्यम से करना, दीवार की सपोर्ट से करना इनिशियली, तभी आप करें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इंजरीज बहुत आ जाती है। तो आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, इसके लिए मैं यहाँ पे सिखा सकता हूँ, समझिए मैं आपका टीचर हूँ। अपने हाथ को माथे पर रखें, और जो ये पॉइंट बन रहा है, सेंटर पॉइंट बन गया, ये आपका सेंटर पॉइंट है, हथेली को बिल्कुल फोरहेड के बीच से रखा सेंटर पॉइंट। अब दोनों हाथों को इंटरलॉक किया आपने, कर लिया, हाथों को ऐसे रखना है, और जो सेंटर पॉइंट बना था वहाँ पे सर को फंसाना है, और पहले धीरे 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 कमर को सीधा करना है, नी बेंड किया, और ये हल्का सा उठा 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 उठा, और हो गया। फिर स्लोली स्लोली ऐसे ही आना है, पहले हिप को मेंटेन करना होता है, ये आए मेंटेन किया, स्लोली 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 नीचे आ गए, है ना। इससे क्या बेनिफिट रहेगा, आपकी आंखें बहुत अच्छी रहने वाली हैं, और बालों के अंदर तो है ही अच्छा अच्छा ब्लड सर्कुलेशन उनको मिल गया, तो सारे काम अच्छे हो सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर रहे। चलो लेट्स स्टार्ट, अभी डेली योगासना ज़रूर करा करो, शरीर अच्छा तो मन अच्छा, मन अच्छा तो रिलेशनशिप अच्छी, एक ही फॉर्मूला है, और जब सब कुछ अच्छा है तो परमात्मा किसको मिलेगा जो अच्छा होगा। अच्छा दोस्तों, आपको मेरा प्रणाम, आप खुश रहें, हैप्पी रहें, हैव ए गुड डे, और वीडियो लाइक शेयर करते रहना। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको भी है कोई समस्या, क्या आपको चाहिए समाधान, तो इस चैनल को करें सब्सक्राइब, और इस चैनल के सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।